अब हम जाने कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को मॉडर्न मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, स्टेरॉइड ज़्यादा लेता है तब भी वो फ़ायदा नहीं होता है, तो आप एक बार हर्बल मेडिसिन को अपना सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। होम रेमेडीज में जैसे आप सौंठ, काली मिर्च, पिपली पाउडर को बराबर भाग में लेकर उसको गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें। आधा गिलास पानी में आपको एक नींबू निचोड़ के उसमें 1 चम्मच शहद डाल के दिन में कम से कम 2 बार लेना है। इसके अलावा आप एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, और आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व में इसमें आप जो आपको पसंद हो योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, या फास्ट रनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी। इसके अलावा आप अपने खाने की हैबिट चेंज कर सकते हैं। आप खाने को आराम से चबा के तसल्ली से खाएं, जिससे आपका डाइजेशन पावर ठीक होगा और आपका खाना अच्छे से पचेगा और आपको जो खाना है प्रॉपर लगेगा। इससे आपको फैट आपके शरीर में नहीं जम पाएगा। इसके अलावा आप अदरक, सौंफ और धनिया के पाउडर को मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, बट उसकी आदत नहीं डालिए। जब आपको लगे कॉन्स्टिपेशन है तभी आप त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने आपको ओबेसिटी के बारे में बताई हैं, हर्बल रेमेडीज़ आप उसको रेगुलर फॉलो करें, आपको डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर बीमारी की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी।